सो वेलकम एवरीबडी ऑन अ न्यू व्लॉग। तो आज मैं वैसे मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू ना, हाँ तो ठीक है, मतलब ऐसा ऐसे है कि मजाक अगर छोड़ दे तो आज मैं जा रहा हूँ कबीर यात्रा में। तो ये यात्रा सब में है तो मैं उसी के लिए निकला हूँ बाइक पे। तो अब ऐसा है कि मैं अकेला आया हूँ, कोई साथ में है नहीं, तो आप इसके टाइम लैप्स तो नहीं देख पाओगे, पर हाँ सीधा डेस्टिनेशन पे आप कबीर यात्रा ज़रूर एंजॉय करोगे। तो मिलते हैं हम सीधा सब में। वेपारी मुनिया पिंजरे वाली ना हो तेरा साहेब है, वेपारी मुनिया पिंजरे वाली ना हो तेरा सतगुरु है वेपारी, सतगुरु है वेपारी तेरा, सतगुरु है वेपारी तेरा, साहेब है वेपारी मुनिया पिंजरे वाली ना हो तेरा साहेब है वेपारी मुनिया पिंजरे वाली ना हो तेरा सतगुरु है वेपारी। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी गई ज्ञान की बूटी, अलख डाल पे मुनिया बैठी पी गई ज्ञान की बूटी, सब संतों ने मिल मतो बताया, सब संतों ने मिल ज्ञान बताया, मुनिया हो गई न्यारी मुनिया पिंजरे वाली ना।
कैसी लगी ये कभी रात्रा और कभी रात्रा, सॉरी अभी क्या है कि थोड़ा ठंड है तो मेरी ट्रांसलेट ऐसे ही हो रही है। एक्चुअली ये कभी रात्रा पूरी रात को की और मैंने पूरी रात अटेंड की है और मैं सबसे 5:51 मतलब रवाना हो चुका हूँ। वैसे पूरी रात नींद हुई नहीं है और बाइक चला गया और कमर की हालत ख़राब हो गई है तो व्लॉग मैं इतना तो नहीं बना पा रहा हूँ। वैसे भी इतने टाइम बाद आया हूँ यूट्यूब पर तो व्लॉग में इतना नहीं बना पा रहा हूँ, उतना आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको जो मैंने ये राजस्थान कभी यात्रा की जो क्लिप शेयर की है आप उसके साथ इंजॉय कीजिए, मैं उसको देखिए। और कभी इस कैफे मतलब कुछ हटके ही था, मतलब यार उसके बारे में क्या कहूँ। फाइनली वी रीच डेनर जैसलमेर, तो बहुत थकावट है। ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, जैसा भी था छोटा सा आलसी भरा मतलब ठीक है यार बना लिया है कभी जाता पर मेरा कब से प्लान था, पिछले साल भी था, पिछले साल में नहीं जा पाया। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मैं ट्राई करूँगा, ट्राई नहीं अब तो पक्का कि यूट्यूब पर एकदम कंटिन्यू रहूँ। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।